So hello candidates and welcome to the Government Quackers. So you already know that we have started the course for the FCAT 1 2021. That is your course FCAT 1 2021. So we are right now doing the preparation for the GK. So this is the second capsule of the GK that we are going to give you, as already been told to you ki FCAT ki jo hum preparation kar rahe hain 2021 FCAT 1 की, उसमें पूछे जाने वाला जो GK का सेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और GK में अगर आप अपने आप को कंटिन्यूस नहीं रखोगे तो आप GK को क्रैक नहीं कर सकते हो, और GK काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है अपने कैंडिडेट्स के साथ, जो भी हमारे साथ एनरोल हैं, तो उन्हीं के लिए अब हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं GK। तो GK में हमारा एम है कि आप करेंगे 100% स्कोर, क्योंकि यहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफेंस से रिलेटेड हैं वो सब के सब हम यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस करेंगे। सो लाइव प्रैक्टिस, सो लाइव प्रैक्टिस करने के लिए हो जाइए तैयार। इस वीडियो में हम लोग आपको लाइव टाइमर देंगे 30 सेकेंड्स का, ताकि आप लोगों को रियल प्रैक्टिस हो जाए कि रियलिटी में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइमर रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन द टाइमर इज स्टार्ट। देन आपको उसी 30 सेकेंड के अंदर कमेंट में लिख करके बताना है कि आपका आंसर क्या है, देन वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा ये वाला सेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल, देन यू नीड टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस दिस नोटिफिकेशन बटन, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट FCAT से रिलेटेड होगी वो सबसे पहले अगर आपको चाहिए तो ये नोटिफिकेशन बटन डेफिनेटली प्रेस होना चाहिए, वरना वो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी और आपसे मिस आउट हो जाएगी। देन ऑल द कैंडिडेट्स मूविंग इन टू द वीडियो, कई सारे हमारे पास क्वेरी आई थी कि वो गवर्नमेंट क्रैकर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स और प्रिपरेशन की टिप्स चलती हैं। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट क्रैकर्स का FCAT 1 2021 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जा करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन ऑल्सो और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो ये जानना चाहते थे कि FCAT का कोर्स कहाँ से आपको मिलेगा, और उनके पास अगर मटेरियल नहीं है, देन दिस इज़ द मटेरियल दैट गवर्नमेंट क्रैकर्स इज ऑफरिंग अक्रॉस ऑल इंडिया। सो आप कहीं भी रहते हो, आपके पास ये कोर्स विद इन 24 आवर्स तक पहुँच जाएगा। FCAT का ये रिटर्न कोर्स है जिसमें 500+ वीडियो लेक्चर्स, 200+ कम्बाइंड PDF, प्रीवियस ईयर पेपर सेट, 15 सेट्स मिलेंगे, टारगेट स्पेसिफिक मटेरियल, डाउट सेशन, वीकली असाइनमेंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, देन अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, देन यू हैव कंप्लीट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, देन डेली करंट अफेयर, सक्सेस ट्रिक्स एंड टिप्स। मोर ओवर इन दिस कोर्स यू आर गेटिंग द फ्री एडॉन्स लाइक डेली न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, फ्री मेंबरशिप, डिफेंस की फर्स्ट मैगजीन जो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको दे रही है, देन डेली वोकैबुलरीज और डेली करंट अफेयर। तो जितने भी लोगों की इंग्लिश वीक है, जो सोचते हैं कि अगर वो हिंदी मीडियम या किसी स्टेट मीडियम से आते हैं और उनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, देन दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एट द लास्ट मूवमेंट पे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी अगर आप थरो हार्डवर्क नहीं करोगे। सो किसी तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए हम एकदम टाइम से कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपका कोर्स 1 मंथ पहले कंप्लीट हो जाए, देन वी विल गो फॉर द रिवीजन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा ये कोर्स, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये सारा कोर्स आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिलेगा। वहाँ पर जाएंगे, आपको ये कोर्स FCAT का मिल जाएगा। वी आर गोइंग टू डिलीवर यू दिस कोर्स विद इन 24 आवर्स, ठीक है, अक्रॉस ऑल इंडिया, आप कहीं पर भी हो। सो कैंडिडेट्स टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट, आप लोग रेडी हो जाइए, जिन लोगों को कॉपी पेन की ज़रूरत है वो कॉपी पेन लेकर के आ जाएं। सो द रूल फॉर द टेस्ट इज क्या होगा, इसमें हम आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर देंगे। ओके, मार्क डाउन द रूल्स। सो यहाँ पर हम आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर देंगे,
क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आते ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। देन उस 30 सेकेंड्स के अंदर यू हैव फोर ऑप्शंस, ओके, यू हैव फोर ऑप्शंस। इस फोर ऑप्शन में से ओनली वन ऑप्शन इज राइट, और आपको उस 30 सेकेंड के अंदर उस ऑप्शन को कमेंट में लिख करके बताना है। देन वी आर गोइंग टू एनालाइज कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, और फिर हम आपको राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप टाइम बेस्ड 30 सेकेंड के अंदर जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, और देख सकते हो कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट क्रैकर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमने आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर ग्रुप्स में, और आप जितने भी लोग कोर्स में अवेलेबल हैं उन लोगों को हमने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने थरली इस चीज़ को गो थ्रू किया होगा तो आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। और जो कैंडिडेट्स के पास मटीरियल और करंट अफेयर नहीं है, देन दे कैन गो टू द साइट और वहाँ पर उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए कैंडिडेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज World first tram library for the children has been inaugurated in which city of India? So number one option is Pune, number second is Kolkata, number third is Dehradun, and number fourth is Chennai. So the correct option for this question is number second, Kolkata. So one important information जो इससे related हम आपको deliver करना चाहते हैं वो ये है, one of the occasion of the Children's Day, a first of its kind in the world library on the tram of the children was launched in Kolkata, West Bengal on the 14th November. So mark down आपको 14th November 2020, occasion on the Children's Day. That is the Kolkata Young Reader Tram Car is the world first such tram library. Then moving to the next question. So next question on your screen, which state child welfare council organized online program on the Children's Day? So number one is Andhra Pradesh, number second is Rajasthan, number third is Maharashtra, or number fourth is Kerala. So give your answer. So the right answer for this question is Kerala. That is the fourth one. So the online program organized by the Kerala State Council for the Children Welfare online education has been provided students a good opportunity to gain a new skill. So the Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has said, adding that it is especially true for the older children. Such knowledge will be very beneficial for them in the future. The Chief Minister Pinarayi Vijayan said. So it is the Kerala, capital is Thiruvananthapuram, governor is Arif Muhammad Khan, and the Chief Minister is Pinarayi Vijayan. So yahan par related information bhi hum question se discuss kar lete hain. Next question in front of you is, Bureau of Energy Efficiency launched the Geo Electric campaign in which state? Number one is Madhya Pradesh, number second is Kerala, number third is Andhra Pradesh, and number fourth is Gujarat. So tell the answer. So the correct answer for this question is Andhra Pradesh. In the major push to the electric mobility sector, the government of Andhra Pradesh has decided to establish the 400 charging station across the state in the first phase. During the webinar on the Go Electric campaign organized with the support of Andhra Pradesh State Electric Conservation Mission, that is APSECM, the official said that the charging infrastructure would be established at every 25 kilometer along the national highway, and moving forward more charging station would be installed. So I hope ye wala question aap logon ne sahi jawab diya hoga. Moving to the next question. So the fourth question in front of your screen is, that is
कीथम लेक विच हैज़ रिसेंटली बीन एडेड टू द रामसर साइट लिस्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? नंबर वन इज रांची, नंबर सेकेंड इज भोपाल, नंबर थर्ड इज आगरा और फोर्थ इज पटना। So the correct answer for this is option third, Agra. So the Keetham Lake, also known as the Sur Sarovar in Agra of Uttar Pradesh, has been added to the list of Ramsar site. So the next question on your screen, that is the fifth question, who inaugurated the office cum residential complex of the ITAT's Calcutta bench? नंबर वन ऑप्शन इज अमित शाह, नंबर सेकंड इज नरेंद्र मोदी, नंबर थर्ड इज राजनाथ सिंह और नंबर फोर्थ इज नितिन गडकरी। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट, दैट इज नरेंद्र मोदी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द वेनसडे इनॉग्रेटेड द ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ कैलकटा बेंच एट इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल वीआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेयर डिड द इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड ऑल वेदर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल? योर ऑप्शन वन इज बालासोर, ऑप्शन सेकेंड इज अब्दुल कलाम आइलैंड, नंबर थर्ड इज पोखरण, नंबर फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बालासोर। द India on the first successful test fire the all-weather quick reaction surface-to-air missile, that is QRSAM, air defense system. The air defense missile system was tested from the Balasore flight test range. So, moving to the next question, which city kept its Guinness World Record for the second year by lighting the diyas? That is a very famous question and I think most of you can give the answer. Number one is Varanasi, number second is Ayodhya, number third is Prayagraj and number fourth is Lucknow. So the answer for this question is Ayodhya. The North Indian city of the Ayodhya kept the Guinness World Record for the second year by lighting the 6,6569 oil lamp, that is also known as Diya, and keeping them burning for at least 45 minutes. Okay, so the time will be 45 minutes. A part of Deepavali celebration. Moving to the next question. So the sport ministry has introduced an incentivization structure to extend the monetary support to the 500 private academies under which scheme? Number one is Play in India, number second is Jito India, number third is Khelo India or number fourth is Sport Academies. So the candidate right answer is Khelo India, that is the option third. So the sport ministry has introduced the incentivization structure to extend the monetary support to the 500 private academies through the Khelo India scheme over the next 4 years starting, that is 2020-21. Speaking of the decision, sport minister Kiran Rijiju said, it is important for the government to extend the support to these institutions so that the sport talent can be groomed even in the most remote areas of the country. So the next question, the draft banking regulation 2020 has been approved by the International Financial Service Center Authority. The meeting is conducted in which union territory? Number one is Pondicherry, number second is Ladakh, number third is Delhi or number fourth is Chandigarh.
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द ऑप्शन थर्ड, दैट इज दिल्ली. सो द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी दैट इज IFSCA हैज कंडक्टेड अ मीटिंग इन द न्यू दिल्ली. द IFSC अथॉरिटी अप्रूव द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशन 2020 इन द मीटिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जायंट एयर प्योरीफायर इन दिल्ली इन गांधीनगर. नंबर वन इज अरविंद केजरीवाल, नंबर सेकेंड इज मनीष सिसोदिया, नंबर थर्ड इज आदेश गुप्ता और नंबर फोर्थ इज गौतम गंभीर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज गौतम गंभीर. ओके, ईस्ट दिल्ली एमपी गौतम गंभीर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉइंट एयर प्यूरीफायर इन द गांधीनगर मार्केट थर्सडे. द एयर प्यूरीफायर इज 12 फुट टॉल, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर एंड डिलीवर अराउंड 2 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ क्लीन एयर एवरी डे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फ्रॉम हिज ऑफिस. सो द बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन इवेंट, बट इनॉग्रेशन गौतम गंभीर ने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन द 11th वन इज नेम द विनर ऑफ द टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 दैट इज चार्ल्स लेक्लर, नंबर सेकेंड इज मैक वर्स्टैपेन, नंबर थर्ड इज सेबेस्टियन वेटल, नंबर फोर्थ इज लुइस हैमिल्टन. सो गिव द आंसर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज लुइस हैमिल्टन. सो लुइस हैमिल्टन हैज वन द टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड ऑन द 15 नवंबर 2020. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दैट इज IRCTC इज गोइंग टू स्टार्ट द भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा ऑन द December 12th. What is the theme of this yatra? Number one is show India for tourism. Number second is show Dakshin Bharat. Number third is show India to Indians. Number fourth is show Dakshins to Indians. So the answer for this question is option number third, show India to Indians. Okay. So Indian Railway Catering and Tourism Corporation will be starting the Bharat Dakshin Darshan Dakshin Bharat Yatra from December 12. The Bharat Darshan Yatra will start from Hyderabad and Secunderabad from December 12 to 18. The theme for this yatra will be Show India to Indians. Indian Railway Catering and Tourism Corporation is subsidiary organization of the Indian Railways, those who don't know about it. Okay. So the 13th question is that is Sanchaman Limpu passes away. He was the former CM of which state? Number one is Odisha, number second is Assam, number third is Sikkim or number fourth is Karnataka. So the correct answer for this is Sikkim, that is option number third. So moving to the next question, what was the profession of Sumitra Chatterjee who has passed away recently? Number one is filmmaker, number second is classical singer, number third is generalist or number fourth is actor. So the right answer for this question is actor. Okay. Then last question in this series, which ministry launched a campaign named Local for Diwali? That is Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries,
नंबर सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नंबर थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नंबर फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नंबर फोर्थ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो नाउ कैंडिडेट्स जस्ट वाइंड अप ऑल द आंसर्स एंड टेल इन टू द कमेंट दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड फ्रॉम द 15th। ओके, आपने 15 में से कितने मार्क्स को स्कोर किया आप कमेंट में बताइए, और एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने वेल्ड प्रिपेयर हैं। इसी तरीके के और इम्पॉर्टेंट जीके कैप्सूल जो एफकैट में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उनको लेकर के गवर्नमेंट क्रैकर्स आप सभी के सामने आता रहेगा। आप लोग इस तरीके से गवर्नमेंट क्रैकर्स को फॉलो करते रहिए तो मुझे लगता है आपका जीके 100% क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ टाइम के बाद हम जीके को रोक करके बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। जो कैंडिडेट्स बीच में ज्वाइन किए हैं और उन्हें अभी ये नहीं पता है, उनको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि एफकैट के व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। जो लोग 2021 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एफकैट का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मटेरियल नहीं पता है कि कहाँ से मिलेगा तो वो भी आपको बता दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है। बाकी और जो करंट अफेयर और पीडीएफ और बाकी सारी चीज़ें हैं, वीडियो लेक्चर्स और वो सब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मिल चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है और आपको प्रिपेयर करना है थरली तो आप इस मटीरियल को ले सकते हैं, ये आपको साइट के ऊपर अवेलेबल है अक्रॉस ऑल इंडिया। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, विदिन 24 आवर्स आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता ही है कि कोर्स में 500+ वीडियो लेक्चर्स, 200+ कंबाइंड PDF, प्रीवियस ईयर पेपर के 15 सेट, टारगेट स्पेसिफिक मटेरियल, डाउट सेशन, वीकली असाइनमेंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, करंट अफेयर और सक्सेस ट्रिक्स और टिप्स मिल रही हैं। इसके साथ ही फ्री एडॉन्स में न्यूज़पेपर, फ्री मेंबरशिप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, डिफेंस की इंडिया की फर्स्ट मैगजीन मिल रही है, देन डेली वोकैबलरीज एंड करंट अफेयर। तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। आई होप ये पूरा पैकेज आपको 100% सक्सेसफुल बनाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने एफकैट 2020 दिया है, उसमें से कई सारे हमारे कैंडिडेट सक्सेसफुल हैं। सो आई होप इस बार जो हमारा रेशियो रहेगा दैट इज़ मोर देन 85% होना चाहिए और आप लोग हमारा ये टारगेट अचीव करने में हेल्प आउट करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर कैप्सूल ऑफ जीके। सो फॉर टुडेज दैट्स ऑल। जय हिंद।